नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। बिहार में भूकंप के झटके। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार रात 9:24 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 3 सेकंड तक लोगों ने झटके को महसूस किया। बता दें, इस भूकंप के झटके को लेकर कई इलाके में हड़कंप मच गई। लोगों को तुरंत 2015 का भूकंप याद आ गया। हालांकि तीव्रता ज़्यादा न होने से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.5 थी और इसका केंद्र नालंदा से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पाया गया। मेदिनीनगर के सभी वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। मेदिनीनगर नगर निगम के सभी 35 वार्डों में अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू होगा। बता दें, पहले यह अभियान प्रयोग के तौर पर 2 वार्ड में शुरू हुआ था। इसका बेहतर परिणाम आने के बाद इसे सभी वार्डों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को मेदिनीनगर निगम बोर्ड की बैठक में इस बात की सहमति बनी है। दुमका में झारखंड हाई कोर्ट बेंच के प्रस्ताव को मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगनावासियों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट बेंच दुमका में गठित किए जाने के संबंधी प्रस्ताव को सीएम ने स्वीकृति दे दी है। सीएम श्री सोरेन की इस स्वीकृति के बाद से संथाल परगना प्रमंडल के लोगों को वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। बता दें, दुमका में झारखंड हाई कोर्ट बेंच के गठन की सीएम सोरेन की स्वीकृति से संथाल परगना प्रमंडल के लोग काफ़ी खुश हैं। झारखंड की राजधानी रांची के खुदरा बाजारों में प्याज एक बार फिर महंगाई की आंसू रुला रही है। बता दें, रांची के खुदरा बाजार में प्याज 50 रुपये प्रति किलो तक बिकने लगा है। हालांकि सब्जियों के राजा आलू की कीमत में पहले की तुलना में कुछ कमी दिख रही है। खुदरा बाजार में आलू 10 रुपये से लेकर 16 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। झारखंड में बाघ की गणना पर 1 मार्च को बैठक। अगले वर्ष 2022 में पूरे देश में एक बार फिर बाघों की गणना शुरू होगी। बता दें, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 1 मार्च को बाघों की गिनती को लेकर राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी। इसमें सभी राज्यों के PCCF वन्य प्राणी बुलाए गए हैं। झारखंड के PCCF राजीव रंजन भी इसमें शामिल होंगे। टोल प्लाजा पर आज से फास्टैग अनिवार्य। NH पर टोल प्लाजा पार करने के लिए 16 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य हो गया है। बता दें, झारखंड में अब भी 60-70% वाहनों ने फास्टैग नहीं लिया है। फास्टैग नहीं होने पर टोल प्लाजा पार करने के लिए तय टोल टैक्स की दोगुनी रकम देनी पड़ेगी। राम मंदिर धन संग्रह के लिए आज से झारखंड में विशेष अभियान। राम मंदिर निर्माण के लिए झारखंड सहित पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चल रहा है। बता दें, 27 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। झारखंड में अभियान की गति को देखते हुए 16 फरवरी मंगलवार से 21 फरवरी रविवार तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद एवं आनुषांगिक संगठनों के सभी नए व पुराने कार्यकर्ताओं से भाग लेने का आह्वान किया गया है। पथलगड़ी मुकदमे वापस लिए जाएंगे मुख्यमंत्री। झारखंड में पथलगड़ी से संबंधित मामलों की वापसी की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी होने वाली है। ऐसे मामलों की संख्या 30 के करीब है, जो 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक के दर्ज हुए हैं। बता दें, सरकार के आदेश पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति के मंतव्य के बाद गृह विभाग ने विधि विभाग से मंतव्य मांगा था। विधि विभाग से कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में चली गई है। झारखंड में राज्य का एकमात्र सरस्वती मंदिर रांची में। झारखंड की राजधानी रांची में राज्य का एकमात्र सरस्वती माता का मंदिर है। बता दें, यह रांची में पहाड़ी मंदिर के पास स्थित है। हार्षिक उत्सव एवं बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा को लेकर यह मंदिर सज धज कर तैयार हो चुका है। बता दें, इस मौके पर यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 16 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। झारखंड में 38 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 22, पूर्वी सिंहभूम से 5, धनबाद से 3, देवघर 1, कोडरमा 3, गुबला 2, साहिबगंज 1, दुमका से 1 संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 119,362 है, जबकि 117,811 लोग स्वस्थ हुए और 1,085 की मृत्यु हो गई। भारत में 8,864 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 155,840 है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 134,033 है। झारखंड में एक्टिव केस 466 है। रांची के 6 राइस मिलों की होगी जांच। धान अधिप्राप्ति केंद्र से धान उठाओ, किसानों को निमित भुगतान। राइस मिलों द्वारा प्रतिदिन तय लक्ष्य के अनुसार CMR पहुंचाने एवं राइस मिलों से संबंधित समस्याओं की समीक्षा की गई।
अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था लोकेश मिश्रा ने प्रत्येक राइस मिलर से लैप्स और पैक से प्रतिदिन तय लक्ष्य के अनुसार FCI में CMR पहुंचाने की जानकारी ली। लक्ष्य के अनुरूप धान उठाव नहीं करने पर उन्होंने संबंधित मिलर को शो कार्य करने का निर्देश दिया। ADM ला एंड ऑर्डर ने कहा कि धान का उठाव क्यों नहीं हो पाया, इसकी लिखित जानकारी दे। भाजपा बताए गैस सिलेंडर का दाम 175 रुपया कैसे बढ़ा कांग्रेस। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि देश में गैस सिलेंडर की कीमत 175 रुपये तक कैसे बढ़ गई, महज 2.5 महीने में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई। बता दें सोमवार को प्रति सिलेंडर 50 रुपये कीमत बढ़ने के मद्देनजर सिन्हा ने यह सवाल उठाया है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिसर्च असिस्टेंट के लिए वैकेंसी। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिसर्च असिस्टेंट के लिए बहाली निकली है। इसमें आवेदन के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी है। बता दें विज्ञापन विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के समसामयिक एवं जनजातीय प्रथागत विधि विभाग के समन्वयक डॉक्टर शमशेर आलम की रिसर्च टीम डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान की ओर से शोध प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है। चतरा में 500 एकड़ जमीन में सोलर पार्क बनाएगा जरेडा। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जरेडा चतरा में 100 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगा। बता दें जरेडा ने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में सोलर पार्क निर्माण के लिए एक ही स्थल पर 500 एकड़ भूमि मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। कहा गया है कि प्रति 100 एकड़ जमीन पर 20 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना लगाई जा सकेगी। अगर 200 एकड़ भूमि उपलब्ध होगी तो 40 मेगावाट की परियोजना लग सकेगी। BAU में लगेगा किसान मेला। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें इस मेले का नाम पूर्वी क्षेत्रीय एग्रोटेक किसान मेला रखा गया है। इसमें पूर्वी भारत के 5 राज्यों के जानकार एक जगह जुटेंगे और किसानों को पशुपालन से लेकर फूड प्रोसेसिंग की नई तकनीक की जानकारी देंगे। इसका आयोजन 5 से 7 मार्च को होगा। इसमें कृषक समुदाय यानी कृषि पशुपालन वानिकी जैव प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसंस्करण मत्स्य पालन डेयरी प्रौद्योगिकी से जुड़े किसानों को कृषि यांत्रिकरण आदि की नवीनतम तकनीकों के बारे में बताया जाएगा। सरना धर्म कोड 25 फरवरी को देश के सभी राज्यों के आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा आदिवासी धर्म कोड को लेकर पत्र लिखा जाएगा। यह पत्र हस्ताक्षर करके भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री व जनगणना महारजिस्ट्रार को सौंपा जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के उपाध्यक्ष देव कुमार थान ने दी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा 60% पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। झारखंड अधिविद परिषद के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार के निर्देश पर इस बार मैट्रिक व इंटर के पाठ्यक्रम में 40% की कटौती की गई है। परीक्षा में 60% पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। वह सोमवार को पाकुड़ के राज प्लस 2 हाई स्कूल में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।